क्लास 7th का थर्ड डे है और 11 क्वेश्चन है. सबट्रैक्ट द सम ऑफ 38 एंड 97 फ्रॉम 237 237. तो हमको क्या करना है, पहले 38 और 97 को ऐड करना है. ऐड करेंगे 97 एंड 38, तो इसमें ऐड करेंगे तो 7 × 5 = 1 और ये हो गया 135. तो इन दोनों का हमने क्या कर दिया, सम, इनका सम हो गया है फिलहाल. अब हमको क्या करना है, 235 में से सब्ट्रैक्ट करना है. 237 में से 135 को माइनस करना है. 7 में से 5 का कितना होगा 2, 3 में से 0, 1. तो आंसर कितना होगा हमारा 102. फिर आगे आ जाते हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. इनवर्स जो होता है वो उल्टे को कहते हैं, और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन को उल्टा करना. तो यहाँ पे हमारा 90 किसका है, प्लस का है, तो हमारा जो साइन आ जाएगा वो जाएगा माइनस के 90, ठीक है. और यहाँ पे हमारा साइन किसका है, माइनस का, तो साइन हो जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है. और यहाँ पे साइन किसका हमारा माइनस का, तो साइन किसका हो जाएगा हमारा प्लस का. 60010 आंसर. सुन तो 14 क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन इज जस्टिफाइड बाय गिविंग द सूटेबल एग्जांपल. यानी कि हमें क्या करना है, उनको सब्ट्रैक्ट कंडीशन में रख के इंटीजर्स को दिखाना है. यानी कि इंटीजर्स को हमको यहाँ पे जस्टिफाई करके दिखाना है एक आंसर. यानी कि जैसे कि हमारा एक इंटीजर हो सकता है 5, एक हो सकता है 6. अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11. और अगर मैं नेगेटिव इंटीजर की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 11. तो ध्यान दें, इसी तरीके के हम बहुत सारे इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर ले लो, 1, 2 करके ले लो. 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 और -2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो भी 3 आ जाएगा. समझ में आया, वैसे हमें सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट को दिखाना था, ठीक है, ओके. फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक्सरसाइज 1.2 है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है. पीछे के क्वेश्चन जो है वो आपको खुद करने, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बता दूंगा, ठीक है. तो एक है हमारा -2 -2 -2, इस तरह मल्टीप्लाई में करने की वैल्यू. तो हम पहले एक बात ध्यान से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यानी क्या, एक इवन नंबर, इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है. तो इवन नंबर हमेशा जो आता है वो अगर सारे ही नेगेटिव है तो भी वो क्या आता है, पॉजिटिव होता है. क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होता है हमारा प्लस. फिर मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64. तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 64. 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4, 2 × 8 × 16 × 32 × 64, ठीक है. यहाँ पे देखिए 6 × 2 कितना हो गया 12, माइनस के प्लस के, 6 × 2 कितना होगा माइनस के 12. तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस 12 और माइनस 12 इज इक्वल टू 24 माइनस. समझ में. तो सेकंड क्वेश्चन, यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द सिंप्लीफाइड वर्क एट द फॉलोइंग. डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा आपको क्वेश्चन. तो इसमें एक मेथड लगाते हैं, एक लॉ लगाते हैं जिससे आसान हो जाता है, ठीक है. तो ये दोनों क्या है, कॉमन है तो निकाल लो. 6, 7, 3 कॉमन का मतलब होता है जो दोनों, इसमें भी हो इसमें भी हो, उसे हम एक जगह लिख लेते हैं. यहाँ पे क्या बच रहा है, 272, क्योंकि इसमें से ये तो बाहर आ गया माइनस, ये हमारा बाहर आ गया 72. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक ही बार बाहर निकाला और आपने तो 2 को बाहर निकाला. भाई कॉमन यही होता है, 2, 3, 4, 5 भी होते हैं तो भी एक ही बार वो बाहर निकल सकता है. वैसे कॉमन का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड. 6, 7, 3 272 में से गए -12 पर कितना बचा, 200 बचा. तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 1, 3, 4, 6 और 2, 0. यानी डायरेक्ट 2 की मल्टीप्लाई कर लो और 2, 0 लगा दो. समझ आया, सही है बहुत. तो ये हमारा ई क्वेश्चन है, इसमें -4 -4 -4 -4 आपको दिख रहा होगा. तो पिछली बार हमने कॉमन लिया था, सिर्फ 2 थे और इस बार क्या है 4. तो -4 को हमने क्या कर दिया, कॉमन लिया. यहाँ कितना बचेगा, 20 को भी प्लस कर, -4 बाहर. यहाँ बचेगा माइनस के 50, यहाँ बचेगा माइनस के 62 और यहाँ बचेगा प्लस के 97, ठीक है. होगा माइनस के 4, 20 यानी माइनस के 15 और माइनस के 62 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 प्लस के 97 और 20 को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 117 और माइनस के 77. यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 7 में से 7 0
और 11 में से 7 जाएंगे तो 4, 4 अब हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ देख लो दिख नहीं रहा हो तो, माइनस के 4 इंटू 40, 4 जा 16 माइनस के, समझ आया क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट, ये बहुत इजी है, ये फिफ्थ क्लास के लिए भी इजी है, हालांकि ये सेवंथ है, तो आप करेंगे, देखिए मैं बताऊं पहले काउंटिंग कर लेते हैं प्लस के लिए कंफ्यूजन ना हो, माइनस 1 2 3 4 यानी 4 है तो इसका मतलब इवन नंबर है तो ये प्लस का आएगा पहली बात। फिर इजी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हो, 5 की 2 में कर लो, जैसे भी आप कर सकते हो, 5 2 जा 10 और 3 4 जा 12, तो आंसर कितना आया 120। आप चाहो तो डायरेक्ट 3 2 जा 6 4 जा एंड 5 जा 120 भी कर सकते हो, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है और ये प्लस, पहले ये प्लस, प्लस भी प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, ध्यान रखना। 5 6 का कितना हो गया 30 इंटू 7, 7 3 20 1 होता है और 0 लगा आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ ए बी सी डी ई टी जी एटसेट्रा आर पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सिर्फ हमसे पूछा है किसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, तो 31 नेगेटिव है, मान लेते हैं कोई चीज है वो 31 है नेगेटिव और उसमें 2 पॉजिटिव का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा उसका, आंसर आएगा 2 1 2 और 3 2 6 माइनस के 62। व्यवहार ज्यादा हो रही थी तो इसलिए बड़ा परेशान हूँ मैं इसके लिए, क्या करें, तो 31 नेगेटिव है और 2 हमारा पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, हमारा साइन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया नेगेटिव। ठीक है, अगला वाला आ गया, मैंने बोला कि नेगेटिव साइन को हमेशा काउंट करना है, तो 1 2 और 3, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल क्या है 3 यानी कि ओड है, ओड जो होता है उससे हमेशा क्या आता है माइनस आता है, तो इसका भी हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आंसर आएगा, वरना आप कह सकते हैं प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ध्यान रखना इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो भी नेगेटिव ही आएगा, वासन में बस। तो फिलिंग द बॉक्सेस, हमें बॉक्स फिल करना है, तो आप देखो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे माइनस के 7 है और यहाँ पे भी माइनस के 7, यहाँ पे किस चीज की कमी है, केवल 90 की, 90 आंसर जिसकी कमी वो लिख देंगे। तो 6 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय सुटेबल अरेंजमेंट। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरेंजमेंट नहीं होते, जैसे कि इसके फर्स्ट क्वेश्चन में है तो उसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, इसका जो बी पार्ट है इसमें अरेंजमेंट करना है, तो किसी किसी में अरेंजमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए माइनस का 8 की मल्टीप्लाई अगर आप 14 में करो और उसके बाद 25 में करो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको करना क्या है माइनस 8 की मल्टीप्लाई पहले माइनस के 25 में करनी है और फिर 14 में करनी है, तो ज्यादा ईजी पड़ेगा, जैसे कि 25 8 जा 200 होते हैं और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 200 इंटू 14, 14 2 जा 28 डबल 0 आंसर, समझ में आया। उसके बाद इधर आ जाओ, सेम टू सेम इसमें भी है कि माइनस 25 की मल्टीप्लाई 317 में करने से मुश्किल होती है, तो माइनस 4 में कीजिए और फिर 317 में कीजिए, 25 4 का कितना हो गया 100 इंटू 317, तो कितना हो जाएगा 317 डबल 0 आंसर।